देखो मुझे ऐसे लगता है कि बिहार चुनाव इस देश के विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मौका था, क्योंकि माहौल जो था तो विपक्ष के पक्ष में था। नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ जनभावना थी और तेजस्वी यादव बहुत बड़ी सभा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं, मुझे ऐसे लगता है ये जो मौका था वो अपोजिशन ने गवा दिया है। इसके कारण क्या है? अपोजिशन नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका ठीक तरह से अभ्यास नहीं कर पा रहा है। इतने खराब माहौल में भी नीतीश कुमार और बीजेपी चुनाव जीती है, इसका कारण पहला कारण ये है कि अपोजिशन में यूनिटी नहीं थी। देखो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन किया, उसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां थी। इसमें से लेफ्ट पार्टियों को अच्छी जीत मिली, 19 सीटें उनको मिली। लेकिन तेजस्वी यादव के पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को, जितनी उम्मीद थी और सीमांचल जैसे एरिया में जिसमें मुसलमानों की बहुसंख्या है उसमें उनको उतनी जीत नहीं मिली। कांग्रेस तो पूरी तरह से परास्त हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सीटें उन्होंने लड़ी थी, उसमें से सिर्फ 19 सीटों पर उनको जीत मिली। पिछली बार विधानसभा में उनको 29 सीटों पर जीत मिली थी। तो कांग्रेस का खराब परफॉर्मेंस और तेजस्वी यादव जो सोचता था वैसे नहीं हुआ, इसका एक कारण है तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के पहले 2 महीने उन्होंने काम शुरू किया, काम पर लग गया। इसके पहले जब माइग्रेंट लेबरर जा रहे थे बाहर से बिहार, या जब पूरे 6 महीने जो हो रहा था, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं किया। वो अपने भाई के साथ, तेज प्रताप के साथ पब्लिकली झगड़ा कर रहा था। चुनाव आ गया, 2 महीने पहले उसने काम शुरू किया। अगर तेजस्वी यादव पूरे 5 साल पूरी मेहनत से, लगन से काम करता तो मुझे लगता है ये जो नतीजे है वो अलग हो जाते, क्योंकि फिर राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा सीटें मिलती। कांग्रेस ने जो 70 सीटें ली, वो क्यों ली है मुझे मालूम नहीं है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही खराब है, और इस चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं में ही झगड़ा शुरू कर दिया हो गया, और कांग्रेस वाले ही कांग्रेस वालों को गालियां देने लगे। आरजेडी के एक बड़े नेता जो है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो चुनाव प्रचार के दरमियान पिकनिक पर गए थे। तो अपोजिशन में यूनिटी नहीं है। फिर आप ओवैसी का मामला देखिए, एमआईएम का। मैं ओवैसी की बात से सहमत हूँ कि आप हर बार उनको नहीं कह सकते कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हो। अगर कोई भी तीसरा नेता आ जाएगा तो आप उसे वोट कटाओ बोल सकते हैं हमेशा। जैसे महाराष्ट्र में ये वंचित बहुजन आघाड़ी थी, उस पर ही यही आरोप लगता था। लेकिन ओवैसी ने वहाँ 5 सीटें जीती है, 10 सीटों पर कांग्रेस के वोट काटे हैं। क्यों काटे उन्होंने कांग्रेस के वोट? क्योंकि मुसलमान युवा जो है वो नाराज है। क्या कांग्रेस वाले ये समझते हैं कि पूरे जिंदगी भर मुसलमान उनको वोटिंग करते रहेंगे? मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म का दावा या मुसलमानों के लिए काम वो करते हैं ये दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इतने साल कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट बटोरे हैं लेकिन मुसलमानों के लिए सही मायने में कुछ नहीं किया। आप सच्चर कमीशन की बात देखिए, सच्चर कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन भी मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं किया। अगर आप मुसलमानों के हमदर्द हो दे वो इम्प्लीमेंट कर देते। दूसरी ओर आप देखिए दलितों के लिए भी कांग्रेस ने क्या किया है। मंडल आयोग के आने के बाद ओबीसी और दलित कांग्रेस से दूर चले गए। काशीराम जी जब आए फील्ड में और चुनाव लड़ने गए तो दलितों का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ चला गया, क्योंकि दलितों को एक ऐसा नेता चाहिए था कि जो अपने लिए लड़ता हो। बाबा साहब अम्बेडकर जब थे तब भी कांग्रेस ने उनका अपमान किया, बहुत बार अपमान किया। बाबा साहब अम्बेडकर को आपको मालूम होगा भारत रत्न भी कांग्रेस ने नहीं दिया, वो वीपी सिंह ने दिया है। तो ये सारी चीजें जो है, कांग्रेस की पहली वोट बैंक क्या थी इंदिरा गांधी के वक्त? ये जो ऊपरी जाति वाले जो है, उच्च वर्णीय जो कांग्रेस को वोट देते थे, उनके साथ मुसलमान थे, दलित थे, आदिवासी थे। तो अभी कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहा, उच्च वर्णीय बीजेपी के साथ चले गए। फिर यादव और मुसलमान तो तेजस्वी के साथ है, और ये महादलित जो है, बहुत ही बैकवर्ड जो लोग है, वो भी बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ है। तो कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक ही नहीं रही है। मुझे लगता है अपोजिशन को इसके बारे में सोचना चाहिए, और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस का जो अहंकार है उनको छोड़ना चाहिए। कांग्रेस आज भी सोचती है हमारी सबसे बड़ी पार्टी है,
अरे भाई आपकी सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन आप देश में कितने राज्य में हैं? आप चार पांच राज्य छोड़ दीजिए, जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, ये राज्य छोड़ के महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ठीक तरह से नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस आज नंबर चार की पार्टी है, पहली बीजेपी है, दूसरी शिवसेना है, तीसरी एनसीपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, चार नंबर की पार्टी है कांग्रेस। एक जमाने में महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ होता था, तो अब कांग्रेस की ताकत नहीं रही। तो मुझे लगता है अगर अपोजिशन यूनिटी होनी है तो कांग्रेस को पीछे हटना चाहिए। जिस राज्य में जो रीजनल पार्टी, जैसे कि ममता की पार्टी है पश्चिम बंगाल में, या फिर महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी है, ये रीजनल पार्टियाँ है, इनकी ताकत है, तो कांग्रेस को सेकेंडरी रोल ही अदा करना चाहिए। अगर ये समझ जाते हैं पूरे अपोजिशन वाले, कांग्रेस अपना डोमिनेटिंग रोल जो है वो कम करती है, तो इनकी यूनिटी होगी। अगर यूनिटी होगी, आज भी देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कितने वोट मिले, 38%। इसका मतलब क्या है, 62% वोट जो है वो अपोजिशन के पास है, लेकिन वो वोट यूनाइटेड नहीं है, अलग बट गए हैं, इसलिए बीजेपी वाले जीत रहे। तो अगर स्ट्रेटेजिकली मोदी के साथ लड़ना होगा तो पहली बात यह है कि मोदी की जो ताकत है उसको समझना होगा। आप तभी लड़ सकते हैं जब आप आपके दुश्मन की ताकत को समझते हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, फिर बीजेपी के वर्कर्स कैसे काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है मोदी की, वहाँ ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के वर्कर्स है। इसलिए बिहार चुनाव में महिलाओं को बाहर निकाला गया और सारे के सारे महिलाओं ने ये मोदी और नीतीश कुमार को वोट दिए है। पहले कहा जाता था कि युवा तो यादव के साथ है, लेकिन क्या हुआ, जो युवतियाँ थी उन्होंने तो बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट दिया, तो ये गैप भी कम हो गई। तो ये सब मोदी जी की स्ट्रेटेजी जो है वो समझनी होगी। जब वो आप समझेंगे, जैसे शरद पवार ने महाराष्ट्र में समझी, तो नरेंद्र मोदी को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, हट जाएंगे। लेकिन आज लोगों के लिए विकल्प नहीं है, मैं किसको वोट दूं? मैं अगर कांग्रेस को वोट देता हूं तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी या अच्छा काम करेगी। आप देखो इतने दंगे देश में हो गए, आपको मालूम है 1984, 1992, फिर 2002, क्या कांग्रेस ने किया है? यहां महाराष्ट्र में थे श्रीकृष्ण कमीशन का ठीक तरह से इंप्लीमेंटेशन भी कांग्रेस ने किया नहीं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की पूरी तरह से जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो गई है, कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। कांग्रेस अभी ऐसी पार्टी नहीं रही जो फैसिज्म के साथ लड़ सकती है। आधे से ज़्यादा कांग्रेस जो नेता है वो तो बीजेपी में ही चले गए। तो ऐसे वक्त में लोगों को एक नया विकल्प चाहिए, और ये नया विकल्प क्या हो सकता है? कांग्रेस के अलावा जो पार्टियाँ काम कर रही है, रीजनल पार्टी है, वो हो सकती है। मुझे लगता है अपोजिशन को इसके ऊपर स्ट्रेटेजिकली कॉन्सेंट्रेट करना होगा, एक प्लान बनाना होगा, तभी 2024 के चुनाव में कुछ हो सकता है। नहीं तो अगले 5 साल भी 2024 के बाद मोदी जी ही रहेंगे।